कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गृह क्षेत्र गुलर भोज के 8 गांव के सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। साथ ही इनका कहना है कि किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा में एक ऐसा गांव भी है जो लगभग पिछले 48 सालों से बदहाली के आंसू बहा रहा है। गाँव से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और जो कि नाव के सहारे जाना पड़ता है। इस तरह चुनाव बहिष्कार का फैसला लेते हुए यहां के ग्रामीण नजर आए हैं गदरपुर में, क्योंकि गांव में 48 सालों से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। एक नाव के सहारे एक पार से दूसरे पार जाने के लिए लोग इस नाव का सहारा लेते हैं। पर स्कूल 1 से 8 तक है और उसके बाद बच्चे ज़्यादातर अनपढ़ी रहते हैं। यहाँ पर बच्चे पढ़ने जा नहीं पाते हैं और पढ़ने जाएं भी कैसे, यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। और कुछ बच्चे जाते भी हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, तो वो भी बड़ी मुश्किल से, सुबह को सुबह ही निकलना पड़ जाता है और शाम को आधी रात में आते हैं। नाव मिल गई तो सही है और नहीं मिलती है तो बस ऐसे भटकते रहते हैं रास्ते में। अगर रोड नहीं होगा तो यहाँ के बच्चों का कोई भविष्य भी नहीं है, ना स्कूल जा सकते हैं यहाँ से बाहर, ना कोई जॉब के लिए जा सकते हैं रोजगार के लिए। जो लोग थोड़ा बहुत 8 पास हाई स्कूल पास पढ़े हुए हैं वो भी गांव में ही है, रोजगार के लिए भटक रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है बाहर जाने का, तो कहां से जाएंगे।